आरक्षण के लिए बंद कराया बाजार, दुकानें बंद कराने सतना की सड़कों में उतरी ओबीसी महासभा की टोलियां, कहीं आग्रह किया तो कहीं खुद ही गिरा दिया शटर। पंचायत व निकाय चुनावों में आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बावजूद असंतुष्ट ओबीसी महासभा ने महाबंद का ऐलान किया, जिसके तहत महासभा के लोगों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद कराई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कुछ खास असर नजर नहीं आया। शनिवार को ओबीसी महासभा और आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति की टोलियां सतना शहर बंद कराने सड़क पर निकली। आरक्षण के मसले पर राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर ओबीसी समाज के लोग एक साथ एक ही बैनर के तले आए और सभी ने एक साथ कम से कम 27% आरक्षण की मांग बुलंद की। भाजपा हो या कांग्रेस, बसपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, सभी के नेता व कार्यकर्ता एक साथ नारे लगाते नजर आए। अलग अलग क्षेत्रों से नारे लगाते निकली टोलियों ने रास्ते में दिखी दुकानों को बंद कराया, किसी से आग्रह किया गया तो किसी के शटर खुद की टोली में शामिल लोगों ने गिरा दिए। अन्य वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्रदर्शनकारी शराब की दुकानों व हाथों में भी पहुंचे और उन्हें भी बंद करा दिया। बाजार क्षेत्र में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से हाथ जोड़कर दुकानें बंद करने का आग्रह भी किया। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने हक के लिए सड़क पर उतरे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग चाहिए, लिहाजा दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखें। ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के बाद ओबीसी महासभा ने एसडीएम सिटी सुरेश यादव को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 27% आरक्षण के बिना चुनाव ना कराने की मांग की गई। सरकारी जिला अध्यक्ष हूँ और 13 तारीख से लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार का पुतला दहन भी हमने किया है। आज हमारा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था और सफल रहा वो, और आगे भी सरकार सुन ले, यदि ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए थे, वैसे भाजपा सरकार यहाँ से गायब हो जाएगी भारत देश से, और आगे आंदोलन अभी जारी रहेंगे। ये कान खोल के सुन ले शिवराज सरकार, यहाँ आरएसएस का राज नहीं चलेगा, यहाँ केवल चलेगा तो लोकतंत्र और जनता का राज चलेगा, उसके बाद सारी सरकारें और कोर्ट होते हैं। अभी अगर मांगे हुए आरक्षण आपको नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति पे क्या करेंगे आप? अगर आरक्षण अभी आगे सरकार नहीं ध्यान देती या कोर्ट नहीं ध्यान देती हमारे आंदोलन पर, हमारी मांग पर, तो आगे इसी तरह आंदोलन जारी रहेंगे और लगातार तब तक जारी रहेंगे जब तक कोर्ट या सरकार हमारे आरक्षण को हमारी संख्या के आधार पर लागू नहीं करती है। आने वाले नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? पूर्णतः भाजपा का बहिष्कार करेंगे हम, एक वोट भाजपा को ओबीसी एससी से। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हम लोग निवेदन करना चाहेंगे वो ओबीसी आरक्षण पुनः लागू कराएं, और यदि उन्होंने हमारे आरक्षण के साथ हमें 27% आरक्षण चाहिए, जो उन्होंने 14% आरक्षण दिया है, तो ये हमारे साथ विश्वासघात किए हैं, अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारे साथ ओबीसी भाई भाई बहनों के साथ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और हमें ये लॉलीपॉप दिखवाने का काम वो कर रहे हैं, तो ये हम उन्हें जब आप 2023 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो ये जनता उनको बताएगी कि ओबीसी क्या होता है और हमारी जनसंख्या जो पिछड़ा वर्ग साथ कुठारा घात हुआ है, ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया है। बीजेपी जब 80/80 में शुरू की वो उस समय वो 2 सीट पाई थी, आज पूरे भारतवर्ष में सरकार बना रही है, इसलिए हम आज से संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल 5 साल जो भी लगेगा हम संघर्ष करते हुए बीजेपी को ध्वस्त कर देंगे। पूर्व में 27% का आरक्षण था और सरकार अब जो है तो 14% का आरक्षण कर दिया है और सरकार उसकी वाहवाही लूट रही है। निसंदेह ये ओबीसी वर्ग के साथ जो है तो कुतर्घात है। पंचायती और नगरी निकाय चुनाव है, ओबीसी का जितना प्रदेश में प्रतिनिधित्व है संख्या बल पर उतना हमको ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश को बंद घोषित किया था जिसमें सतना जिला भी शामिल था। अब हमारी लड़ाई पहले 27% आरक्षण को पंचायती राज में लागू कराने की थी, लेकिन अब हमारी लड़ाई साथ में ये चालू हो गई है कि हम अब कानूनी रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे।